सो हेलो मेरे प्यारे घोल मटोल भाई लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड मज़ेदार होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं परफेक्ट एम लोग के बारे में, यानी कि यहाँ पर किसी भी इनिमी के हेड पर जो कि आप एम लोग करना सीख गए ना, तो आपका हर टैप वन टैप लगने वाला। जी हाँ गाइस, यहाँ पर इसके लिए मैं आपको दो स्टेप बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर जो भाई इस दो स्टेप को फॉलो करेगा ना, वो इजिली वन टैप मारना सीख जाएगा। फिर जो कि यहाँ पर किसी भी एंगल में हो या किसी भी गन से, चाहे आपके पास जो कि यहाँ पर शॉर्ट रेंज की हो या पर लॉन्ग रेंज की, एंड गाइस यहाँ पर आपको चलाने भी नहीं आती ना ऐसी गन, अगर आप चलाओगे ना तो भी गाइस आपका हर टैप वन टैप लगेगा गाइस, ठीक है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, इसीलिए गाइस क्या करना है कि वीडियो के अंदर बने रहना है, एंड जो यहाँ पर मैं जो आपको स्टेप बताता ना इनको फॉलो करना गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ कि आपका हर टैप वन टैप लगने वाला, और गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि वीडियो के अंदर अभी तक किसी ने भी जो कि यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताई ना, वो एम लोग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो कर दो, एंड चैनल पर पहले जो भाई आ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला स्टेप होने वाला है, और वो होने वाला है मूवमेंट बटन के बारे में, यानी कि आप जब भी किसी भी इनिम को हेडशॉट मारने जाते ना, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक करते कि यहाँ पर जॉयस्टिक बटन यानी कि जो मूवमेंट बटन ना इसको यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका जो कैरेक्टर ना वो इधर उधर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो कि सामने वाले बंदे को जो आप हेड पर एम लॉक करने वाले होते ना, वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाता, एंड यहाँ पर बॉडी लॉक जो कि यहाँ पर मतलब कि बॉडी को डैमेज देना शुरू हो जाता है। इसलिए गाइस क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी जॉयस्टिक बटन को यूज़ नहीं करना, यानी कि मूवमेंट बटन को यूज़ नहीं करना गाइस, ठीक है। जो इससे क्या होगा कि आपका जो एम लॉक है ना, मतलब कि सामने वाले बंदे को आपका जो कि मूवमेंट स्पीड भी बहुत ही फास्ट रहेगा, एंड यहाँ पर आपका एम लॉक सामने वाले बंदे का मतलब कि एम लॉक पर कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड गाइस यहाँ पर आप जब भी ट्रैक करोगे ना, तो आपका जो कि एम लॉक है ना जो कि इजीली मतलब कि सामने वाले बंदे के हेड पर लग जाएगा, एंड आपका इजीली जो कि आपका हर टैप जो कि आपका वन टैप लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए गाइस आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी कि जॉयस्टिक बटन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको जो कि रनिंग बटन एंड जो कि आपका जंपिंग बटन इसको यूज करना गाइस, ठीक है, ताकि आपका स्पीड जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा, एंड आपका हर टैप जो कि आपका वन टैप लगना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा पहला स्टेप था जिसको आप बहुत ही इजीली आप समझ चुके होंगे। अब चलेगा जो कि बात करते हैं स्टेप नंबर टू के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको यूजफुल रहने वाला गाइस, ठीक है, जो कि आपको वन टैप मारने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा। आप जो कि यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आ जाना, एंड जो कि सेटिंग के अंदर देख सकते हैं कंट्रोल जो ऑप्शन है ना उसके अंदर चले जाना, यानी कि कस्टम एचडी के अंदर चले जाना, एंड जो कि सबसे बड़ी चीज होती है आपका ड्रैग बटन गाइस, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको जो कि ड्रैग करने के लिए मतलब कि हेडशॉट मारने के लिए आपका ड्रैग बटन का एक बहुत ही बड़ा मैक्सिमम साइज होता है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि इसको बहुत ही छोटा रखते हैं, यानी कि टच भी नहीं कर पाते ना इतना छोटा रखते हैं, एंड जो कि बहुत ही भाई क्या कहते हैं कि बहुत ही बड़ा, यानी कि आप 100 रख देते हैं, इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल भी ड्रैग नहीं कर पाते, एंड यहाँ पर जो कि बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं मार पाते गाइस, ठीक है, इसके लिए जो कि बहुत ही बड़ी मैक्सिमम साइज होती है। अब जो कि मैक्सिमम साइज कितनी रखनी थी, यहाँ पर आपको 45 से जो कि यहाँ पर 60 तक, मतलब कि 60 तक आपको बीच में रखनी गाइस, ठीक है, जो कि आप देख सकते कि मैंने 55 रखी है, तो आप इतनी सी भी रखते गाइस, ठीक है, मतलब कि आपको जितना कंफर्टेबल है ना उतनी जो कि आपको मैक्सिमम साइज रखनी। तो गाइस ये था जो कि मैं दूसरा स्टेप जिसके अंदर आपको कितना मैक्सिमम साइज रखना, मतलब कि ड्रैग बटन का कितना मैक्सिमम साइज होता है, एंड आपको कितना रखना पड़ेगा उसके बारे में बात की। लेफ्ट साइड का जो कि बात करते हैं हमारा लास्ट स्टेप, जो कि आप आपको ट्रेनिंग ग्राउंड, मतलब कि आपको हर रोज की घंटा या तो आधा घंटा आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है आपको ट्रेनिंग करना गाइस, ठीक है, जो कि अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे ना तो आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब कि कितना बार जो कि आप क्लास या तो रैंक मैच खेलोगे ना तो भी आप वन टैप नहीं मार पाओगे। इसलिए गाइस क्या करना है कि आपको हर रोज की आप आधा घंटा या तो घंटा आपको जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो कि यहाँ पर खेलना है, एंड यहाँ पर फिर जो कि गेम खेलने मतलब कि जाना पड़ेगा गाइस, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं भी हर रोज की यहाँ पर इतना सा प्रैक्टिस करता, उसके बाद जो कि यहाँ पर मेरे इतने बहुत ही बढ़िया हेडशॉट लगना शुरू हो गया गाइस, ठीक है, जहाँ कि यहाँ पर मैं भी जो कि इस तरह से हेडशॉट नहीं मार पाता था, लेकिन यहाँ पर मैंने भी बहुत ही जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस की गाइस, ठीक है, तो इसलिए जो कि आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो कि आप इजिली इस तरह के वन टैप मार पाओगे गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो चलेगा, ये था हमारा तीसरा स्टेप। तो चलेगा जो कि आपको ये तीन मतलब कि ये तीन मिस्टेक ना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, जो कि पर बहुत सारे प्रो प्लेयर एंड जो कि पर जितने भी प्लेयर ना वो मिस्टेक करते, तो गाइस अगर ये मिस्टेक आप करना मतलब कि छोड़ दोगे ना तो आपके इजीली वन टैप लगना शुरू हो जाएगा। तो चले गए जो कि आज के वीडियो के अंदर आपको वन टैप मारने के लिए जो कि हम लोग कैसे करना है, एंड जो कि आप कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर बात कर ली है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करूंगा कि अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को बाय बाय करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर देना एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चले गए ऐसी और एक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।